आज नरक चतुर्दशी आणि गोव्यामध्ये नरक चतुर्दशीच्या दिवशी नरकासुराची मिरवणूक काढत त्याचं दहन केलं जात असतं। इथल्या गावोगावी प्रत्येक चौकामध्ये भले मोठे नरकासूर दिसत असतात, त्यांची वाजत गाजत मिरवणूक काढली जाते, त्यानंतर चौकांमध्ये नरकासुराचं दहन केलं जातं। एक फुटांपासून ते 80 फुटांपर्यंत हे मोठे नरकासूर असतात। नरकासूर दहन हा गोव्यामध्ये मोठा आकर्षणाचा भाग असतो। पहाटे नरकासुराचं दहन झालं की घरी येऊन अभ्यंग स्नान करून सर्व कुटुंबीय फराळाचा आनंद घेत असतात, आस्वाद घेत असतात। उत्तर भारतात दसऱ्याला जसं रावण दहन केलं जातं, त्याच धर्तीवर गोव्यात नरकासुराचं दहन केलं जातं। गोवा में सिर्फ आपको दिखेगा कि गोवा में महाराष्ट्र बाजू में है, कर्नाटका है, लेकिन गोवा में इसकी खासियत है कि ये नरकासुर दुष्ट कृत्यों पर, जो दुष्ट कृत्य होते हैं उसके ऊपर जय होती है। श्री कृष्ण ने इनका वध किया था और गोवा में खास करके ये प्रतिमा इनकी बना के आज सुबह दिवाली के सुबह अवसर पर इनका दहन करके गोवा के लोग अपने तरफ से दिवाली मनाते हैं। ये यही नहीं होता है, पूरे गोवा में अगर आप घूमेंगे गाँव में शहर में तो सभी जगह ये मिलेगा। और इसकी खासियत ही यही है कि इनकी प्रतिमा दहन करके गोवा के लोग अपने शुभकामनाएं दिवाली एक मई को देते हैं और इसका उत्सव मनाते हैं।